हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिफॉरेस्टेशन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ठीक हो, आपको ये तो बात पता है ना कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है वो एनिमल्स यानी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनकी अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट आर बायोलॉजिकल रिच एरिया ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। कि जो जंगल होता है वो जैविक रूप से, ठीक है, वो पौधे और जानवरों के आवास के रूप में, प्राकृतिक आवास के रूप में जो एरिया होती है वो रिच एरिया होती है। ठीक है, जंगल जो है वो जैविक रूप से पौधों और जानवरों के नेचुरल आवास के रूप में, प्राकृतिक आवास के रूप, रहने की जगह के रूप में सबसे धनी क्षेत्र होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको वहीं पे वैराइटीज़ मिलेंगी। लेकिन अब ये जंगल जो है वो दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ द लिविंग बींग। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हर प्रकार के पौधे और जानवरों के लिए जो नेचुरल हैबिटेट है, उसका प्राकृतिक रहने का स्थान है, ठीक है, वो उनके सर्वाइवल में, उनके जीवन यापन में, उनके अच्छे से रहने में कितना क्रूशियल रोल, कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता होगा। ठीक है भाई, कोई घर किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते होंगे। जैसे आपका घर इम्पोर्टेंट है, वैसे उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउडेज आजकल क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट आर बींग कट टू फुलफिल द इंक्रीज ऑफ डिमांड। अब क्या हो रहा है, हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। किसकी? ह्यूमन बींग्स की। तो जब आबादी बढ़ेगी तो उनके खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, उनकी जो लकड़ी यूज़ करने की, टिम्बर यूज़ करने की, जो घर के फर्नीचर टेबल वगैरह बनाने में, खेती के लिए ज़मीन में, सबकी मात्रा, इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उसको पूरा करने के लिए आजकल क्या कर रहा जा रहा है, जंगलों को काट दिया जाता है। ठीक है, और क्लियरिंग ऑफ अर्थ फॉरेस्ट यानी पृथ्वी पर जो जंगल हैं उनका मैसिव स्केल पर, यानी बहुत बड़े पैमाने पर जो ये काटना है, जंगलों को हटाना है, ठीक है, किस लिए? वेरियस ह्यूमन नीड, मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब आप मैसिव स्केल पर, बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ़ कर देते हैं, काट देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और कितना क्रूशियल है ये भी आप जानते हो, जंगल हमारे लिए। अब ये जानते हैं कि जंगलों के काटने का मुख्य कारण क्या होता है, यानी कॉजेस क्या है। तो पहला कारण तो बच्चों इसका है कि अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, शहरीकरण बढ़ रहा है। दूसरा कारण है घरों को और फैक्ट्रियों को बनाने के लिए जंगलों को साफ़ किया जा रहा है। ठीक है, आबादी बढ़ रही है तो घर और फैक्ट्री, व्यापार बढ़ाने के लिए जंगलों को काट के वहाँ पे फैक्ट्री लगाई जा रही है, घर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी करने के लिए भी जंगलों को साफ़ किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। ठीक है, जो एक फैक्टर है, जंगलों को खेती इसलिए की ज़्यादा की जा रही है क्योंकि भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनाज चाहिए बच्चों को खिलाने के लिए, तो उसके लिए खेती करनी पड़ेगी, खेती के लिए ज़मीन चाहिए, तो वो जंगलों को काट करके कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो पौधों की से चीज़ें मिलती हैं, जैसे लकड़ी, पेपर, ठीक है, इन सबको पाने के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों के पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है जानवरों की ओवर ग्रेजिंग, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन की जो स्पीड है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये कुछ मुख्य कारण हैं। अच्छा, ये तो मनुष्यों द्वारा सारे कार्य होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज़ होती हैं उसके कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ नेचुरल रीज़न भी होते हैं जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी मैसिव स्केल पे प्लांट जो होते हैं वो अर्थ से गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल रीज़न क्या है? पहला तो है जंगलों में आग लगना, फॉरेस्ट फायर होना। दूसरा कारण है बाढ़ और जो सूखा पड़ता है उसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और तीसरा होता है अर्थक्वेक, यानी भूकंप वगैरह आना, जिससे पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के क्या कारण है जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, और नेचुरल रीजन के बारे में
जाना। ठीक है, आइए अब जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों के काटने से जो प्रभाव पड़ता है, कॉन्सिक्वेंस पड़ते हैं, उसका जो परिणाम आता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप पेड़ों को काटोगे, जंगलों को काटोगे, यानी डिफॉरेस्टेशन करोगे, तो हमारे एनवायरनमेंट पे उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत गलत असर पड़ता है। इससे हमारी जो नेचर में इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक जीव दूसरे जीव से जो जुड़ा हुआ है, वो या प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो जुड़ाव है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, साथ में बहुत सारी जो जातियाँ जंगलों में रहती हैं, ठीक है, वो डिफॉरेस्टेशन के कारण उन पर बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। और जंगलों में जो बहुत ही रेयर एनिमल्स पाए जाते हैं, जो बहुत कम मात्रा में होते हैं, या प्लांट्स होते हैं, उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाता है, उस खतरा पैदा होता है और वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य से इफ़ेक्ट हो गए। ठीक है, आइए और भी जानते हैं क्या क्या नुकसान डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। सब एक और जो डिफॉरेस्टेशन के कारण हो, नंबर वन देखिए, डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग में सबको कर होने में सबसे बड़ा योगदान कौन है, डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को काटने से ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे जो क्लाइमेट है, मौसम है, ठीक है, उसमें डिफॉरेस्टेशन के कारण बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, यानी पहले जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेनफॉल पहले जितनी होती थी वो कम होती चली जा रही है, जिसके कारण हर साल सूखा पड़ने लगा है, तो ये भी एक बहुत बुरा असर डिफॉरेस्टेशन के कारण पड़ता है। दूसरा होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन बढ़ता है, यानी मिट्टी का कटाव बढ़ता है। ठीक है, यानी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह के चली जाती है और ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन होता है, और सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, वहाँ पर कोई भी जो है वनस्पति उग नहीं पाती है, और जो मिट्टी की अपर मोस्ट लेयर होती है, उपजाऊ भाग होता है, वो सॉइल इरोजन के कारण या पानी और हवा के बहाव के कारण जो है वो हट जाती है और वो चीज़ बैरन हो जाती है, मतलब ज़मीन बैरन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये उसके परिणाम है, डिफॉरेस्टेशन के कारण जान लिया आपने, डिफॉरेस्टेशन के परिणाम है, कुछ और परिणाम है वो भी देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन के कारण बच्चों एक और प्रॉब्लम आती है डिसर्टिफिकेशन की, यानी अगर आप जंगलों को काटोगे तो आपकी भूमि क्या हो जाएगी, रेगिस्तानी हो जाएगी, यानी बलुई हो जाएगी, यानी उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और आपको बताया कि जो डिसर्टिफिकेशन होता है उसमें सबसे बड़ा रोल सॉइल इरोजन का होता है। सॉइल इरोजन के कारण जो मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी होती है बह के चली जाती है, और इससे क्या होता है, जो मिट्टी के नीचे वाला सरफेस होता है, रॉक होता है, वो एक्सपोज हो जाता है और बाद में वो सैंड में बदल जाता है, मिट्टी में बदल जाता है, बलुई मिट्टी में बदल जाता है, और मिट्टी मतलब जो भूमि होती है वह अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है बहुत सारे नेचुरल कैलामाइट, बहुत सारे नेचुरल यानी प्राकृतिक आपदाएँ भी आती हैं, जैसे कि बाढ़ आना, ठीक है, आपका जो है सूखा पड़ना, ये भी क्या होता है, ये इन सबको नेचुरल कैलामाइट्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा, यानी ये मनुष्य के द्वारा नहीं, ये नेचुरली होता है, और नेचुरली होने में इसका परिणाम क्या है, इसका कारण क्या है, कारण है आपका क्या नाम है, डिफॉरेस्टेशन, यानी आप पेड़ों को काटोगे तो उसके कारण क्या होगा, ये सब बाढ़, सूखा, ये सब पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों आप उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, ये भी जान गए आप, और डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या होते हैं, अब इसको ये होगा तो इसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, इन सब के बारे में आपने अच्छे से समझा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिफॉरेस्टेशन यानी पौधों को लगाना, जंगलों को बसाना, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।